दोस्तों नमस्कार, माय एडवाइस प्लेस चैनल में आपका स्वागत है। पहले जो डिस्पोजल बनते थे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इस तरह के सिल्वर के आइटम बनते थे। ये आइटम अभी मार्केट में क्या है कि बहुत जगह पे प्लास्टिक बैन होने के कारण ये आइटम अभी बैन है। तो होता क्या था, बैन होने का रीजन क्या था, जल्दी से मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये मेरी एक थाली है, ये थाली में क्या रहता था कि इस तरह की पन्नी लगी रहती थी, ये आप देखेंगे पन्नी लगी रहती थी। तो ये पन्नी होने के कारण गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे इस आइटम को बैन कर रखा है। अभी क्या हुआ, इसकी जगह पे ये जो मशीनें थी सिंगल लाई डबल लाई वो बेकार हो चुकी है, तो वो कोई लेता नहीं है। तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ रखा है जिसमें नए तरह के डिस्पोजल बनते हैं दोस्तों, वो मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत शॉर्ट टाइम में। तो जैसे हाइड्रोलिक प्रेस मशीनें रहती है, उस हाइड्रोलिक मशीन में मल्टीपर्पज मशीन होती है, मैंने एक ऐसी मशीन तैयार करी है। अभी इस वर्कशॉप में हम लोगों ने एक ऐसी मशीन तैयार करी है जिसमें आप सिल्वर के आइटमों को आप रिप्लेस करके सभी तरह के आइटमों को बना सकते हो। रॉ मटेरियल आपका उसमें केवल सनमाइका का रॉ मटेरियल लगेगा। जैसे पहले आपने देखा होगा ना कि सिल्वर का मटेरियल चलता था, हल्की प्लेटें रहती थी और आप कोई भी प्लेट खा लेंगे, जैसे मैंने ये उठाई है बहुत हल्की रहती थी, आप देखेंगे कि काफी हल्की प्लेट है, तो कोई भी इसे खा के नहीं पकड़ के खा नहीं सकता था और मुड़ जाती थी। तो इसकी जगह पे रिप्लेस करके एक तो क्या होगा, हमारा प्लास्टिक जो मार्केट में चल रहा है वो कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा पॉल्यूशन के लिहाज से। दूसरी चीज क्या मिलेगी आपको, हार्डनेस मिलेगी जिन प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी क्या मैंने प्रोडक्ट आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट हम लोगों ने शुरू कर रखे हैं जिसे कहते हैं सनमाइका प्रोडक्ट। आप ये देखेंगे किस तरीके से सनमाइका की थाली है, ये आप देखेंगे टोटली पेपर की बनी है, ऊपर से हार्ड मिलेगी आपको। ये मेरा आप ये कटोरा देखो, माइका का कटोरा है, ये कटोरा आपको हार्ड मिलेगा और कटोरे के मुकाबले टोटली पेपर से बना हुआ है। और दूसरी चीज मैं आपको ये दिखाता हूँ, इस तरह की देखो ये थाली बनी हुई है, ये थाली टोटली पेपर की है और ये देखिए आप इसमें इस तरह के कलरफुल चीजें बना सकते हो। क्या रहता है ना कि जब आपका प्लास्टिक पन्नी बैन होगी, पॉलिथीन बैन होगी, तो फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आ रहा है पेपर का। और ये आप थाली देखेंगे, एक तो आपकी वेटेड थाली है, जैसे आपको मैंने दिखाया था आप इसको पकड़ के इस तरीके से इसमें खाना खा सकते हैं, और वो थाली जो होती थी आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, ये थाली को आप ऐसे पकड़ के नहीं खा सकते। ये देखो मैं दोनों थाली को कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये आपको झूलती भी दिखेगी और इसमें आप ये खड़े होकर आप इसमें खा सकते हैं, इसे बफर प्लेट भी कहते हैं। तो ये थाली जो बफर प्लेट बनाने वाला जो मशीन है वो मशीन हम लोग ने यहाँ पर तैयार कर रखा है। सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि इस मशीन में केवल यही नहीं बहुत तरह के काम होते हैं। आपको जल्दी से मैं ये क्रश करके दिखाऊंगा, आप ये देखेंगे टोटली पेपर का बना हुआ है। ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर जो कोटिंग हो रखी है, ये कोटिंग पूरी पेपर की है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, और आप प्रोडक्ट क्या बना सकते हो, ये मेरे पास मशीन रखी हुई है, मशीन का कितना बेहतरीन फॉर्मूला, आप इसमें एक साथ दो डाई आप इसमें लगा लो। आप इसमें अगर और डाई लगाना चाहते हो, जैसे इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कटोरे का रहता है और आपका प्लेट का रहता है, तो ये सारी चीजें आपकी इसी में बनेगी, एक मशीन रहती है, मशीन में ये सारी चीजें तैयार होती है। तो जल्दी से मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट जिसमें आप इस तरह के प्रोडक्ट और कुछ बना सकते हो। जैसे थालिया है, ये देखिएगा आप, ये इस तरह की थालियां मैंने ये डाइयां लगा रखी है, ये सारी डाइयां इसमें चलेंगी, ये बड़ी डाई है, ये बड़ी डाई है, ये आप देखेंगे 3 CP 4 CP डाई है, ये देखिए आप, ये इस तरह की बड़ी डाई रहती है हमारे पास जो 4 CP है और एरिया में भी काफी रहेगी, इस तरह की डाई है, इसे डायमंड डाई कहते हैं। तो ये सारी डाइयां इस मशीन में हमारे पास लगती है, इस मशीन में ये चलेगी। तो यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। मैं दोस्तों आपको यही चीजें बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे काम करती है, और आपको जल्दी से मैं ये दिखा दूंगा कि किस तरीके से मशीन काम कर रही है। आपको मैं ये दिखाता हूँ, दो मैंने ये शीटें ले ली है, इस तरह की शीट इस मशीन में ली है। मशीन की खासियत क्या है, आप इसमें एक साथ एक दो तीन डाइयां लगा सकते हो, मैक्सिमम 3 डाई इसमें लग सकती है। अभी मैं आपको 2 डाई लगा के दिखा रहा हूँ, दो मेरे हाथ में सीट ले लिए मैंने, ये सीट देखिएगा, ये मैंने इसमें मशीन में जैसे मैं सीट डालता हूँ आप देखिए कितना आसान है सीट को बनाना। ये मेरी एक मशीन के अंदर सीट आ गई है, सीट बनते ही आप ये देखिएगा ये कितने आराम से तैयार हो जाता है। ये मैंने मशीन का स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करते ही क्या रहेगा, मशीन चालू हो जाएगी सीधे। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे यहाँ पर कितनी आसानी से तैयार होती है। ये मेरा सेमी था, ये मैंने तैयार किया, अब दोनों डाई हमारी नीचे जाएगी, इन्होंने ऑपरेशन करा और ये ऊपर आ गई, और देखिएगा कितने आसान तरीके से ये हमारी तैयार होगी। ये आप देखेंगे पहली प्लेट, ये मेरी कितनी खूबसूरत तरीके से ये प्लेट हमारी यहाँ पे तैयार है, और दूसरी प्लेट में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम करती है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, ये 2 की 2 प्लेट हमारी यहाँ पे तैयार होगी है, और बहुत आसान तरीके से। ये मैंने अभी इसमें छोटी डाई लगा रखी, तो इस तरह का होगा, आप इसी में इस तरह की अगर बड़ी डाई लगाएंगे 14 इंच की डाई लगाएंगे तो आपको ये भी इसमें तैयार हो जाएगा। दूसरा काम आप सुनो, पहला आपने ये कर दिया कि इसमें आपका पेपर प्लेट, दोना, थाली, कटोरा, जितना भी आइटम है, रिंकल प्लेट, डायमंड प्लेट, सब इसमें बनेगा। दूसरा काम आपको ये दिखाते हैं कि इस तरह का अभी जूना देखेंगे, स्क्रबर पैकिंग कहते हैं। ये जूना क्या है, आप ये देखेंगे मार्केट में इस तरह का स्क्रबर आता है, ये दोनों स्क्रबर भी आपकी इसी मशीन में तैयार होगा। तो मैं आपको जल्दी से आप इस डाई को चेंज करके आपको इसमें जल्दी से स्क्रबर की डाई चेंज करके दिखा रहा हूँ,
और आपको फिर इसमें जूना पैकिंग का काम दिखाऊंगा। तीसरा काम इसमें आप हवाई चप्पल का काम कर सकते हैं। तीनों काम आप इसी में कर लेंगे, हवाई चप्पल, स्क्रबर पैकिंग, जूना पैकिंग, मसाले पैकिंग, ऑल काइंड ऑफ डिस्पोजल। तो सभी तरह के डिस्पोजल, ये सारी चीजें बनेगी। जल्दी से मैं आपको इसकी डाई चेंज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि इसमें अभी मैंने पेपर प्लेट की डाई हटा के, ये देखो आप स्क्रबर की डाई लगा रखी। आपको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, स्क्रबर की यह मशीन दो डाइयां चलाएगी। इसका प्रोडक्शन इतना हाई रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सनमाइका का प्रोडक्ट बना रहा है उसमें प्रोडक्शन ज्यादा है, सेम यही केस इसमें भी है। इसमें इसमें क्या करवाया है, हमने हीटिंग प्लेट लगा रखी और दो हीटिंग प्लेट लगा रखी है। तो प्रोडक्शन आपका इसमें बहुत बेनिफिट है, आपको प्रोडक्शन आपका जस्ट डबल हो जाता है। जो अभी जूना पैकेजिंग की, मसाला पैकेजिंग की जितनी भी मशीन आ रही, न्यूमेटिक वाली, न्यूमेटिक मशीन जिसमें कंप्रेशर लगा रहता है, सक्सेस इसलिए नहीं है, उसमें प्रॉब्लम आती है एयर लीकेजेज का। अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत मशीनें ऐसी चल रही जिसमें नीचे कंप्रेशर दिया रहता है। जो कंप्रेशर वाली मशीन है वो टोटली फेल होने का उसका रीजन क्या है कि उस कंप्रेशर से जो एयर आती है, जो वो मशीन चलती है हवा से, ये चल रही है ऑयल से, नीचे ऑयल टैंक है, इसमें ऑयल जा रहा है तो ऑयल प्रेशर से चल रही है। तो उसके मुकाबले ये मशीन में आपको मेंटेनेंस जीरो मिलेगा, साथ में प्रेशर इतना ज्यादा मशीन का, एक साथ दो डाई चला सकते हो। तो इसको कहते हैं डबल डाई स्क्रबर मेकिंग मशीन, ट्रिपल डाई पेपर प्लेट और सनमाइका प्रोडक्ट मेकिंग मशीन। तो इस तरीके से आपको मैं ये दिखा देता हूँ जल्दी से करके। ये स्क्रबर आपने देखा है ना, ये पत्ता मैंने आपको तैयार करके दिखाया है जल्दी से किस तरीके से तैयार होगा। ये आप देखो, सबसे पहले मेरे पास ये है, इसमें आप देखोगे इस तरह का जूना मैंने भर लिया, ये मेरी कटोरी है। तो पूरी डाई मैंने माल से भर ली है, तो ये पूरी डाई को मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहली डाई मेरी यहाँ पे लग चुकी है, तो ये आप देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रही है। पहली डाई मैंने ये लगा दी और सेम ऐसे ही हमारी दूसरी डाई भी यहाँ पे लगेगी। तो दो डाई है मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा दी, ये मेरी एक और डाई है, मैं दो डाई मशीन में मैंने डाल दी है। तो किस तरीके से ये काम कर सकते हैं, तो दोस्तों जब भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए मशीन कितनी बेहतर हो सकती है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से मशीन काम कर रही है। और ये आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इसमें ये कार्ड वगैरह, ये है दो कार्ड मैं तैयार कर रहा हूँ, एक एक्सो का एक पारस, ये इस तरीके से दो कार्ड मैंने इसमें लगा दिए। पहला कार्ड मैंने ये लगाया मशीन में, ये आप देखो आप ही के सामने सारा काम हो रहा है, वर्क आपके सामने कर रहा हूँ। और दूसरा कार्ड ये लगा दिया, तो मशीन में आप देखेंगे एक साथ आपके दो कैलेंडर तैयार होंगे। मशीन कितनी बेहतर है, मशीन की कॉस्ट मात्र 95,000, काम इसमें आपके तीन, जूना पैकेजिंग का डबल काम हो रहा है, दो मशीन हो रही है। अब ये है, मैंने स्विच ऑन करा, ये मशीन गई, नीचे इसने सील करा और आप देखेंगे नीचे सील हो गया, ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, टाइमर ने बता दिया कि ऑन हो गया। अब मैं जल्दी से आपको खोल के दिखा रहा हूँ कितनी जल्दी ये चीज़ें होती है। आप ये देखिएगा कि ये देखो कितना सुंदर तरीके से मेरा पहला पत्ता इसका रेडी हो रहा है। ये देखो सेम ऐसे मैं आपको दूसरा पत्ता निकाल के दिखा रहा हूँ, ये मेरी डाई है, ये आप ये देखें ये किस तरीके से ये काम हो रहा है। तो फटाफट मशीन में एक स्पीड है, मशीन में अगर आपकी वर्क लेबर बैठी है तो आपसे मैं ये कह सकता हूँ मात्र 5 सेकंड में आपके दो पत्ते तैयार हो रहे हैं। जो पहले की मशीनें थी आप देखो मेरे दोनों ही चार कितने सुंदर तरीके से तैयार हो गए, दो कैलेंडर आप देख सकते हो और ये दो कैलेंडर बने हैं मात्र 5 सेकंड में। 5 सेकंड में आपके दो कैलेंडर तैयार हो जाते हो, आप इस बात का अंदाजा लगा लो मशीन का प्रोडक्शन कितना होगा। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ 95,000 की मशीन में ये चीज आपके लिए बेहतर है। तीसरा ऑप्शन आप जल्दी से देखो, जो मैं आपको तीसरा ऑप्शन दिखा रहा हूँ, पेपर प्लेट हो गया, सनमाइका प्रोडक्ट आपका, दूसरा आपका जूना मेकिंग हो गया, पेपर स्क्रबर बन गया, तीसरा मैं आपको स्लीपर दिखा रहा हूँ। स्लीपर आप देखो डाई चेंज होगी, आपको मैंने जैसे ही दिखाया था कि जूने की डाई हटाते ही मैंने ये लगा दी इसमें स्लीपर की डाई। आप ये देखो किस तरीके से स्लीपर की डाई लगा रखी है, इस तरह की बहुत खूबसूरत स्लीपर है। आप देखेंगे इस तरह की जो भी स्लीपर है, लेडीज जेंट्स बच्चा हर तरह की स्लीपर भी इसी मशीन में बनेगी। पहला काम आपका माइका पेपर प्रोडक्ट सारा, दूसरा स्क्रबर पैकिंग, तीसरा है स्लीपर। ये डाई मैंने हटाई जो आपको अभी थोड़ी देर पहले डाई दिखाई थी, ये डाई मैंने हटा के इसमें ये डाई लगा दी है। ये डाई कैसे काम करी है देखो, ये मेरी हवाई चप्पल की शीट है, ये मेरी इसकी डाई है। मैं आपको इसे कटिंग करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से काम करेगी। कुछ मशीनें होती है जिसमें पूरी शीट आपकी नहीं जाती है, पूरी शीट मशीन के अंदर आपकी आराम से चले जाती है। ये आप देखो मैंने ये डाई लगा दी, डाई लगाते ही किस तरीके से स्लीपर की कटिंग होती है। ये मैंने डाई रखी है, ये मेरा स्विच ऑन हुआ, मात्र 4 से 5 सेकंड में आपका काम हो जाता है। ये देखो डाई ने नीचे गई और बंद करके डाई कट दी है। तो आप ये देखना कितने सुंदर तरीके से हमारी स्लीपर ये कटी है। तो जो भी आपको मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप इसमें बाकी स्टेप फिटिंग, प्रिंटिंग, ड्रिलिंग सारा काम होगा, वो काम भी आप कर सकते हो दोस्तों। तो मात्र आज ही आपको जो करना है, मात्र ये मशीन 95,000 रुपए में, जिसमें आप ये सनमाइका प्रोडक्ट, स्क्रबर, स्लीपर, ये तीनों काम हो जाएंगे। रॉ मटेरियल की आपको कोई दिक्कत नहीं है, रॉ मटेरियल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारे पास किस किस तरह का रॉ मटेरियल रहता है। और वो रॉ मटेरियल आपको ये जैसे देखो माइका के सारे रोल आपको यहाँ पे मिलेंगे,
तो ये सारे रोल आपको माइका के यहाँ पे है, ये सनमाइका रोल हमारे पास यहाँ पर ये रहते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट के सारे रोल है, जो भी आपका सनमाइका का प्रोडक्ट बनाते हैं सिल्वर बैन होने से हमारे पास भरपूर स्टॉक रहता है। इस तरह का पेपर का ये देखो भरपूर स्टॉक है, आप देखेंगे बहुत बढ़िया फिनिशिंग में ये हमारे पास रहेगा। और इसके बाद ही मैं साथ में आपको ये दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे पास केला पत्ता मटेरियल है, सारा केला पत्ता का मटेरियल है, ये भी आप देख लीजिएगा। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी है मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ। ये स्क्रबर है, जूने का काम है, सारा जूना आपको मिल जाएगा। ये आपको ब्लिस्टर है, यहाँ पर ब्लिस्टर रखे हुए हैं, ब्लिस्टर की कटोरियां, ये मसाले ब्लिस्टर, ये हमारे पास ये सारे ब्लिस्टर है। इस तरह के जूना भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी काम है सारा दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप मेरा नंबर लिखिएगा, हमारी जो ये फैक्ट्री है आपको मैं दिखाऊंगा कि मशीन हम लोग के पास बहुत है। तो हमारी जो अपनी ये फैक्ट्री है ये आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश बरेली के पास में, बरेली के पास पड़ता है रुद्रपुर, तो रुद्रपुर में ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बरेली से मात्र 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रुद्रपुर है और वहां पर ये सारा मशीन का पूरा स्टॉक मटेरियल सारा कुछ है हमारे पास। दूसरी चीज ये है कैश ऑन डिलीवरी सर्विस भी है, अगर आपको चाहिए इस तरह की सर्विस तो कैश ऑन डिलीवरी सर्विस है। उसके लिए आपको पहले हमें 40% अमाउंट आपको एडवांस कराना है, बाकी का अमाउंट जब मशीन पहुंच जाती है घर में तब आप दे सकते हो। तो ये सुविधा भी हमारे यहाँ पर इस तरह की सुविधा रखी गई है। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, कभी भी मेरे को व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, नंबर मेरा नोट कीजिए 9119010631, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसमें कॉल कर लो चाहे मेरे को व्हाट्सअप कर लीजिए। दूसरा नंबर मेरा 9412962702, तो ये दोनों मेरा मोबाइल नंबर है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। मशीन आपको ऑल टाइम यहाँ पे मिलेगी, सर्विस मिल जाएगी, मशीनों की मोटर की गारंटी मिल जाएगी, ये सारी चीजें हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना, अगली वीडियो में मैं आपको कुछ नई जानकारी दूंगा।